हर हर महादेव। भोलेनाथ की आराधना के पवित्र माह सावन की शुरुआत हो चुकी है। सावन माह भगवान शिव जी की भक्ति और आराधना का माह होता है। इस माह में लोग महादेव की भक्ति में डूबे रहते हैं। बता दें कि इस बार सावन पूरे 59 दिनों का होगा। इसका बड़ा कारण सावन के महीने में अधिक मास का योग है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक 3 साल में अधिक मास आता है, लेकिन सावन में ऐसा संयोग पूरे 19 साल बाद बन रहा है। मान्यता है कि इस माह में किए गए पूजा पाठ से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस श्रावण मास में झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम बेहद प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है और ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बता दें कि बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग है और साथ ही ये विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। वेद पुराणों के अनुसार जब माता सती के पिता राजा दक्ष ने महायज्ञ में महादेव को नहीं बुलाया था तो माता सती ने क्रोध में आकर अग्निकुंड में खुद को समाहित कर लिया था, जिसके कारण भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। उस तांडव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के 52 टुकड़े किए थे, जिसमें से देवघर के बाबा धाम में माँ सती का हृदय गिरा था, इसलिए ये शक्तिपीठ के रूप में विकसित हुआ। हमारे वेद पुराणों में बाबा धाम के ज्योतिर्लिंग होने के कारणों का भी उल्लेख है। कहा जाता है कि सतयुग में जब रावण महादेव को लंका लेकर जाने की जिद करने लगा और उसके लिए उसने अपने 9 सर काट कर महादेव को अर्पित किए, तब महादेव ने प्रसन्न होकर उसकी जिद मान ली और एक शर्त पर चलने के लिए राजी हो गए। उन्होंने रावण के सामने शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ लंका जाऊंगा, लेकिन तुमने अगर बीच मार्ग में कहीं मुझे नीचे रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने महादेव की शर्त मान ली और कामना लिंग लेकर चल दिया, लेकिन देवता नहीं चाहते थे कि महादेव लंका जाएं, इसलिए भगवान विष्णु ने लीला रची और भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले बैजू को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। बैजू ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु ही थे। उन्होंने महादेव को वहीं धरती पर रख दिया, जिससे महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई। क्रोधित होकर उसने शिवलिंग को अंगूठे से वहीं दबा दिया और चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और तब से वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में कामना लिंग की पूजा की जाने लगी। देवघर में हर साल 1 महीने में श्रावणी मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा का जल अभिषेक करने आते हैं। इस साल मलमास होने के कारण श्रावणी मेला 2 महीने का होगा। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।